देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जो इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है एमसीडी चुनाव को लेकर के, और एमसीडी चुनाव कब होंगे यह इसका तो नहीं पता, लेकिन अब मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि डिलिमिटेशन को लेकर के क्या चुनाव टाले जाने चाहिए। एक नोटिस किया है, यानी अब उस नोटिस का जवाब स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना होगा, और साफ तौर पर पता चलेगा आने वाली 26 जुलाई को, जब आम आदमी पार्टी के जरिए लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और तब देखना होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दिया जाता है कि जो 250 सीटों के लिए जो डिलिमिटेशन होना है उसके लिए बाकायदा वो अब क्या करने जा रहे हैं, क्या डिलिमिटेशन की वजह से चुनाव को रोका जाएगा या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये कमेटी बन गई है साफ तौर पर डिलिमिटेशन कमेटी, अब देखना होगा कि डिलिमिटेशन कमेटी का क्या रुख रहता है। क्या डिलिमिटेशन कमेटी केंद्र सरकार से पूछती है कि 250 सीटों का जो डिलिमिटेशन है उसका खाका क्या होगा, या उस बिना पर जो चुनाव रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। ऐसे में अब जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ डिलिमिटेशन कमेटी के पाले में गेंद है। अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव को लेकर क्या फैसला होता है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और बार बार कहती रही है कि चोर दरवाजे से आकर के एमसीडी का इलेक्शन टालने का काम किया दिल्ली बीजेपी ने। दिल्ली बीजेपी कर बार ये कहती है कि वह तो पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब इलेक्शन हो जाए चाहे अभी चाहे 6 महीने बाद वह पूरी तरह से तैयार है। इन सबके बीच अब सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को इस बाबत सुनवाई करेगा, और साफ तौर पर तभी पता चलेगा कि आने वाले वक्त में अब एमसीडी चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। इन सबके बीच आपको बता दें कि चुनावों को लेकर के, खासकर निगम चुनावों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और उस आदेश के तहत साफ ये है, और उस आदेश में ये कहा गया है कि एमसीडी चुनाव को या किसी भी निगम के चुनाव को टाला नहीं जा सकता, सिर्फ ये कह करके कि डिलिमिटेशन किया जाना बाकी है। डिलिमिटेशन पर मेरा एक बहुत वीडियो बहुत पहले ही मैंने आपको दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप दिल्ली तक की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा। और इन सब के बीच डिलिमिटेशन कमीशन अब केंद्र से पूछ रहा है कि आखिर किस तरह से अब डिलिमिटेशन किया जाए, और क्या उसका खाका होना चाहिए, और टर्म ऑफ रेफरेंसेस को देने का काम जाहिर तौर पर कुछ दिनों बाद एलजी करेंगे, और तभी जाकर डिलिमिटेशन की कार्रवाई पूरी होगी। लेकिन डिलिमिटेशन कमेटी को साफ तौर पर केंद्र की तरफ से तो आदेश पहले से ही है कि 8 नवंबर तक, यानी आदेश जारी होने के 4 महीने के अंदर तक उनको अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट का मायने ये समझता हूं कि तकरीबन 4 महीने के 8 नवंबर तक उनको एक ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को दे देना है। तो साफ अंदाजा लगाइए कि देखना यह होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस बाबत क्या फैसला लेता है। और साफ तौर पर आप बने रहिए मेरे साथ, किसी और खास मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो एमसीडी के खास जानकारी पर आधारित ये था आज का वीडियो। मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।